हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान अर्जन के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका फ्रेंड अमित। मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि आप किस तरीके से अपना जो रिलेटेड नीच, जिसके रिलेटेड आप कोई कोटेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप किस तरीके से एफिलिएट प्रोडक्ट या फिर एफिलिएट नेटवर्क का सर्च कर सकते हैं। इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एफिलिएट नेटवर्क अगर आप गूगल में सर्च करते हैं कोई भी नीच स्पेसिफिक, तो आपको बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क मिल जाएंगे। लेकिन किसी भी एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इंटरनेट के जगत में इतने ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं, फ्लड हो चुके हैं, कि उसमें स्कैम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो आपको कुछ बातों को जान लेना चाहिए कि आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना होगा। और इसके साथ मैं कुछ टिप्स ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग करते वक्त आप किन किन तरीकों से एफिलिएट मार्केटिंग को करें और किस किस चीज़ों को आप अवॉइड करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एफिलिएट कोई भी नेटवर्क अगर आप गूगल में सर्च कर रहे हैं, तो आपके पास जब भी कोई एफिलिएट नेटवर्क आपके सामने आता है तो उसका कुकीज़ का लेंथ आप पहले चेक कर लें कि कुकीज़ का लेंथ कितना है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ऐसे बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपको कमीशन देने की बात करते हैं, और उस प्रलोभन पे आकर आप लोग उसमें ज्वाइन करने की अपनी बातें सोच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कुकीज़ का लेंथ कितना है, क्योंकि कुकीज़ का लेंथ ही डिसाइड करता है कि आप इसमें कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको कुकीज़ का लेंथ या फिर कुकीज़ बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुकीज़ का जो लेंथ है ये एक्चुअली एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ट्रैकिंग का एक डेटा पैकेज होता है जो कि आपके ब्लॉग या वेबसाइट का जो भी विजिट कर रहा है और वहाँ पर आपने जिस एफिलिएट प्रोडक्ट को आपने प्रमोट किया है, उस जो एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके अगर कोई एफिलिएट वेबसाइट पर जाता है तो एफिलिएट वेबसाइट से एक कुकीज़ का डेटा पैकेज उस लैपटॉप या डेस्कटॉप पर सेंड कर दिया जाता है, जिस लैपटॉप या डेस्कटॉप को इस्तेमाल करके व्यूअर आपके ब्लॉग में आया था। इससे होता यह है कि उस वेबसाइट को ये पता चल जाता है और ये उसके ट्रैकिंग में रहता है कि जो व्यूअर उसके वेबसाइट पे पहुंचा ये किसके ब्लॉग के थ्रू से पहुंचा। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने एक ब्लॉग बनाया है abc.com और आपने उस ब्लॉग में अमेजन का कोई प्रोडक्ट को आपने प्रमोट किया है, जो कि आपके कोई भी नीच के रिलेटेड आपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। अब मैं अगर आपके abc.com को विजिट करके अगर उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा और मैंने उस एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके amazon.com पर मैं अगर वहां पर विजिट किया हूं, तो amazon.com क्या करेगा, मेरे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एक छोटा सा डेटा पैकेज सेंड करेगा जो कि ट्रैकिंग के लिए होगा, और उस ट्रैकिंग में ये तय होगा, इस चीज का मेंशन किया हुआ रहेगा कि मैंने आपके ब्लॉग के थ्रू से या फिर वेबसाइट के थ्रू से अमेजन को विजिट किया था। इससे ये होगा कि अगर मैं फ्यूचर में कुछ भी परचेस करता हूँ अमेजन से तो आपको कमीशन मिलेगा, क्योंकि आपने अपने ब्लॉग के थ्रू से मुझे उस वेबसाइट पर डाइवर्ट किया था। तो ये कुकीज़ का जो लेंथ होता है, ये लेंथ ये होता है कि ये कुकीज़ कितना दिन तक वैलिड है। जैसे कि अमेजन का जो स्टैंडर्ड कुकीज़ है ये 24 आवर्स तक वैलिड है। कुछ ऐसे वेबसाइट है जो कि 30 डेज का देते हैं, कुछ वेबसाइट 90 डेज का देते हैं, कुछ वेबसाइट 45 डेज का देते हैं। तो ये जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना आपके लिए सक्सेस हो पाना संभव होगा। हालांकि अमेजन जैसे पॉपुलर वेबसाइट में 24 आवर्स भी काफ़ी होता है, क्योंकि लोग अमेजन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि लोग अगर आपके ब्लॉग पर या फिर वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं और उन्हें कोई प्रोडक्ट ऐसा उन्हें दिखता है जो कि उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है, तो वो उसे परचेस करने में झिझकते नहीं हैं और वो डायरेक्टली उस वक्त परचेस कर लेते हैं या फिर 24 आवर्स में माइंड सेटअप कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जहां पर कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन उसके लिए माइंड सेटअप बनाना पड़ता है, या तो अमाउंट ज़्यादा होता है,
उसके बदले में कमीशन भी ज्यादा मिलता है, लेकिन वो जो विजिटर है वो साथ ही साथ डिसीजन नहीं ले पाते, इंस्टेंटली डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसलिए ये कुकीज का जो लेंथ है या फिर ड्यूरेशन है ये बहुत ज्यादा वाइटल है कि जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा या फिर लेंथ होगा उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि एक शायद आप किसी ने आपके ब्लॉग के थ्रू से उस वेबसाइट को विजिट किया हो लेकिन शायद 15 डेज के बाद उसने माइंड सेटअप किया हो कि मुझे वो प्रोडक्ट परचेस करना है। तो क्योंकि कुकीज का एक ट्रैक ऑलरेडी हो रहा है कि उसके लैपटॉप से या फिर वेबसाइट डेस्कटॉप से, तो वो जब भी 15 दिन के बाद वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा जिसको कि आपने प्रमोट किया था या फिर रिलेटेड कोई प्रोडक्ट को परचेस करेगा तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। यहां पर मैं एक बात को बता दूं कि ये जो कुकीज का जो ड्यूरेशन है, ये कुकीज का ड्यूरेशन जो वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ रहता है उस वेबसाइट के हिसाब से ही रहता है, लेकिन अगर इन बिटवीन सपोज मैंने आपके ब्लॉग या वेबसाइट से अगर विजिट किया है और कुछ दिनों के बाद मैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का कुकीज अगर मैं क्लियर कर दूं तो उस वक्त उस वेबसाइट का कोई कसूर नहीं होता क्योंकि मैंने कुकीज को ट्रैकिंग जो भी था मैंने उसको डिलीट कर दिया है। तो आपको वो कमीशन नहीं मिल पाएगा अगर मैं 15 डेज के बाद या भी 30 डेज के बाद जाता हूँ, लेकिन ये चांसेस बहुत ही कम रहते हैं कि 99% लोग कुकीज को क्लियर नहीं करते हैं या फिर एक टाइम के बाद कुकीज ऑटोमेटिकली क्लियर होता है तो वो काफी टाइम के बाद होता है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो क्योंकि अभी तक जितने लोग एफिलिएट मार्केटिंग से सक्सेस पा रहे हो इसी तरीके से पा रहे हैं, तो अगर हर कोई पा रहा है तो आप भी पाएंगे। तो ऐसा चांसेस को पहला आप प्रायोरिटी ना दें कि कुकीज़ को लोग डिलीट ही कर देंगे, कुकीज़ लोग कम ही डिलीट करते हैं। तो 99% चांस है कि अगर आपने किसी को, अगर कोई विजिटर है जो कि कुछ सोच खरीदने की सोच रहा है तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। सेकेंड थिंग यह है कि आपको जो देखना है वो है कि पेमेंट किस प्रोसेस से आपको दिया जा रहा है। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे कि बहुत फेवरेबल जो है या फिर जो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है पेपल, लेकिन पेपल के अलावा भी कुछ कंपनियां देती है पेयोनिया के थ्रू, कुछ देती है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करती है और कुछ आपको चेक के थ्रू सेंड करती है। तो आप वहां पर चेक कर लें कि क्या आपके कंट्री में या फिर आपका पेमेंट का जो गेटवे है क्या उसमें आप साइन अप कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने कैश में आके एक बहुत अच्छा ऑप्शन देख के आपने ज्वाइन तो कर लिया वेबसाइट, आपने उसमें एक महीना डेढ़ महीना काम किया, लेकिन जब पेमेंट का जब प्रोसेसिंग जब होने जाएगा तब देखा जाएगा आपको पेपल में साइन अप करने को कहा जा रहा है लेकिन आपके कंट्री में पेपल वैलिड नहीं है, या फिर आपको पेयोनियर का आपको किया जाए आपको फिर वहाँ पर पेयोनियर का ऑप्शन नहीं है, या फिर किसी कंट्री में शायद चेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह का बहुत कुछ होता है, तो आप पहले देख लें कि आपके कंट्री में क्या वैलिड है और आप किस ऑप्शन को ये कर सकते हैं, मतलब अवेल कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पर ही आप वेबसाइट को ज्वाइन करें। वेबसाइट में देख लें अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन रहे तो ये आपके लिए बेहतर है, वरना आप देख लें कि क्या वो जो ऑफर कर रही है पेमेंट सिस्टम वो आपके कंट्री में या फिर आपके लिए वो अवेलेबल हो सकता है कि नहीं। तीसरी बात यह है कि आपको जो देखना है वो कि पेमेंट थ्रेशोल्ड, बहुत सारे ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग के जो नेटवर्क जो होते हैं वहां पर होता है कि पेमेंट थ्रेशोल्ड कहीं $10 का होता है तो कहीं $100 का होता है, कहीं $200 या $500 का भी होता है। ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का जो आपका मतलब प्राइस होता है वो प्राइस कितना है, तो ये सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो ये कर रहे हैं मतलब आपका जो पेमेंट का जो थ्रेशोल्ड है वो थ्रेशोल्ड लिमिट को वहां पर ये किया जाता है। अगर आप रेगुलरली या फिर आप डेडिकेटेड तरीके से अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में जुड़े हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप ओकेशनली करते हैं कभी कभार करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का प्रमोट या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा सा ही मैंने इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे नेटवर्क को ज्वाइन करें जिसका पेमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट कम से कम हो। जैसे कि सपोज अगर $10 हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर उसी जगह पर $500 हो तो आपको वो $500 अचीव करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली करते हैं कि आप अगर फुल टाइम अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो ये $500 कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर तो लोग दिन के $500 भी कमा लेते हैं। अब मैं कुछ ऐसे आपको टिप्स बता देता हूँ जिसके सहारे आप एफिलिएट मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग तो आपको करना है एक वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग से जो कि एफिलिएट प्रोडक्ट आप वहां पर प्रमोट कर सकें, लेकिन आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि केवल आप एफिलिएट जो प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन और उसके इमेजेस को अगर आप अपलोड कर देते हैं और आप सोशल मीडिया में इसे अगर प्रमोट करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा। आपको हमेशा उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ नए
जैसे कि आपको ब्लॉग अपडेट करना होगा, अगर आप कोटेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा कोटेशन को आगे जो आपको अपडेट करते रहना होगा। मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग कोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सपोज आज एक कोटेशन को दिया, उसमें जिस प्रोडक्ट को आपने मेंशन किया है सेम प्रोडक्ट को भी मेंशन किसी दूसरे कोटेशन में भी आपने किया, तो इस तरीके से आपको जितना ज्यादा आपका कोटेशन अपडेट होगा या फिर जितना ज्यादा आप अगर आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं जितना ज्यादा अपडेट होगा वो उतना ही ज्यादा आपको मतलब ट्रैफिक के नजदीक लेके जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक सोशल मीडिया हो गूगल हो ये लोग हमेशा न्यू अपडेटेड कंटेंट को सर्च करते हैं और वो पब्लिक के सामने उसे पेश करते हैं। तो मिनिमम आप ये मान के चलिए आपके जो भी ब्लॉग हो या फिर वेबसाइट हो यहाँ पर आपको 30-50 कंटेंट अगर होता है तो ये एक स्टैंडर्ड मतलब एक कट आउट लिमिट होता है जिसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। दूसरी बात ये कि आप हमेशा ये ना सोचें कि आपने आज एक कुछ अपडेट किया और इसका इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, क्योंकि ये जो एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग ये सब बिल्कुल कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पर कि हम लोगों को जैसे कि एक कंटेंट या फिर एक पोस्ट या एक आर्टिकल का हमने अपडेट किया फिर उसे भूल जाना पड़ता है, फिर दूसरे पोस्ट तीसरा पोस्ट चौथा पोस्ट इस तरह से हमें लिखते रहना पड़ता है। मतलब इनिशियल स्टेज में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको इंस्टेंटली आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो, ये सब अचानक से एक लिमिट जब वो कटआउट लिमिट जब क्रॉस करते उसके बाद आना शुरू होता है, इसके बाद जब आना शुरू होता है तो उसकी एक बाढ़ जैसी लग जाती है और उस वक्त आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जबकि ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, पैसा और सेल्स भी होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि इनिशियल स्टेज में अगर आप कोई आर्टिकल पोस्ट कोटेशन कुछ भी आप अपडेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हताश ना हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में इंस्टेंटली आपको कोई भी रिजल्ट शायद देखने को ना मिले, ये बिल्कुल इसी तरह का है। ये कोई जॉब नहीं है कि आपने काम किया और एक महीने के बाद ही आपको पैसा मिल जाए। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में ही बताया था कि आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, इसके बाद आपको डेली के $300-$500 भी आपको यहाँ पर बहुत इजीली आपको अवेलेबल होने लगेंगे, लेकिन उसके लिए 3-5 मंथ्स का आपका वक्त लगता है। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि 3-5 मंथ्स 6 मंथ्स कौन वेट करता है, तो अगर आपको $300-$500 अगर आपको पर डे इनकम करना है तो अभी आपको 3-5 मंथ्स वेट करना ही होगा, वरना आपको अगर आप कभी वेट नहीं करेंगे तब कभी उस चीज को आप अवेल नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन आपका है कि क्या आपको पहले वेट करना है फिर उसका फल चखना है। मतलब जैसे कि आज हमने आम के पेड़ लगाए तो कल हम आम को उम्मीद नहीं कर सकते या फिर एक महीने के बाद हम आम का उम्मीद नहीं कर सकते, उसे वक्त देना पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है, उसे बड़ा होना पड़ता है, उसे बड़ा करने के लिए जो भी जरूरी हमें प्रोडक्शन लेनी पड़ती है तो वो सब कुछ करना पड़ता है। फिर हम लोग अचानक से हर साल हम लोगों को आम वहां पर फल आम का फलन हम लोगों को देखने को मिलता है, हम लोग वहां से आम खा सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है कि ऑनलाइन का कोई भी काम आप जब स्टार्ट करते हैं तो इंस्टेंटली आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कम से कम 6 महीने 8 महीने या फिर 1 साल के बाद आपको मिलेगा, लेकिन हाँ इसके बाद जब मिलता है तो वो सारी जिंदगी के लिए सेट हो जाता है। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा वो जॉब वाला जो होता है 9-to-5 जॉब उसमें आपको इन्वॉल्व होना है या फिर आपको कुछ दिन तक आपको बस दिमाग को शांत करके आपको काम करते रहना है, इसके बाद जो आएगा रिजल्ट वो रिजल्ट का आपको वेट करना है। चौथी बात यह है कि आप यहाँ पर जब भी कोई प्रोडक्ट को अपडेट करें तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट को आप अपडेट कर रहे हैं प्रोडक्ट का जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन हमेशा ऐसे प्रोडक्ट का हो जिस प्रोडक्ट का रिव्यू और रेटिंग अच्छा हो। मतलब आपने अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं जिसका कि रेटिंग और रिव्यू अच्छा नहीं है लेकिन उसका केवल इमेज अच्छा है हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, तो इन प्रोडक्ट को आप कभी अपडेट ना करें, इससे आपके ब्लॉग या फिर वेबसाइट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि लोग जब देखेंगे कि लोग अगर आपके ब्लॉग या वेबसाइट के थ्रू से अगर उस प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं उसके बाद जब वो उनके पास वो जाएगा वो अगर मतलब उसको एक अच्छा प्रोडक्ट अगर नहीं मिल रहा है और आपको बस एक कमीशन मिल रहा है इसलिए आप उसको मतलब ये प्रमोट कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके वेबसाइट के बारे में बदनामी फैलनी शुरू होगी और लोग आपके वेबसाइट को अवॉइड करेंगे। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखें, कुछ बातों को आपको अपनाना है, कुछ बातों को अवॉइड करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, इसके बाद मैं अगले वीडियो में और भी बहुत सारे बातें आप लोगों को बताऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग के सक्सेस कैसे किया सकते हैं, इसे प्रमोशन किया सकते हैं, क्योंकि बीइंग ए राइटर मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ, तो हमें ये पता चलता है कि हम लोगों ने जब कोई भी आर्टिकल को सबमिट किया वो इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं देता है और वो बाद में रिजल्ट देता है और उसके बाद फिर क्लाइंट हम लोगों को एक मतलब बहुत स्वीट नोट्स भेजते हैं कि मैंने हमारे
जो कंटेंट है उस कंटेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, उनका कितना अच्छा सेल्स हुआ, वो फिर जब रिटर्न जब वो क्लाइंट आता है, जब वो बताता है अपने पुराने पुराने जो अचीवमेंट को, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी कॉन्टेंट इंस्टेंटली गूगल या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर जो अपना जो परफॉर्मेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपको बस अपने कंटेंट पर फोकस करना है। एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से सक्सेस पाना ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट भी एक बहुत वास्ट चैप्टर है। आपको सही तरीके से जानना होगा कि एडवर्टाइजमेंट क्या करना है, कैसे करना है, वरना आप केवल अपने मूल्यवान पैसे को ही बर्बाद करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से मैं इनिशियल स्टेज में आप लोगों को जाने मना करूंगा। बस अपने क्वालिटी कंटेंट के ऊपर आप फोकस कीजिए और आप जो नेचुरल ट्रैफिक है, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, उसका आप मजा लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर क्लिक टू सब्सक्राइब पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो ब्लैक कलर का जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उसे भी बिल्कुल क्लिक कर दें, ताकि मेरे द्वारा पब्लिश किए गए हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपके किसी भी फ्रेंड या फैमिली को इस एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके साथ इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करें। तो फिर मिलता हूँ नए किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।